हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आपको उधर जो पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर 4 पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसमें ऑडिट्स चालू हो गया, ठीक। और ये हम आज आपको रिवीजन करा रहे हैं। रिवीजन में हमने लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना, इसको कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अलग अलग बताया, जैसे बायोनॉमिनक्लेचर, ठीक है, मीन्स जो त्रिजगत पद्धति थी, ठीक। और उसके बाद व्हिटेकर साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को या जीव जगत को 5 भागों में बांटा, ठीक है। 5 भाग कौन कौन से थे? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, कवक था, प्लैंटी थी और एनिमेलिया था, ठीक है। ये 5 किंगडम में बांटा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं उन्हीं 5 में सबसे पहला हमारा जो जगत था या किंगडम था, कौन सा किंगडम था? किंगडम मोनेरा, ठीक है। मोनेरा जगत के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। मोनेरा जगत में अधिकतर जो होते हैं, बेसिकली जो बैक्टीरियाज होते हैं या जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको इसमें रखा गया या माइक्रोप्लाज्मा इसको रखा गया, ठीक है। किन्हें किन्हें रखा गया है? बैक्टीरिया जिसे जीवाणु कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे नीले हरे शैवाल कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और जो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा को रखा गया है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इनको इसमें मोनेरा जगत में शामिल किया गया है क्योंकि ये सबसे पहले जीव थे, ठीक है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक। और इसमें जो है, इसमें सभी जितने भी हैं, ये क्या है, सब प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमने आपको बताया, ठीक है। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? जिसमें जो केंद्रक या न्यूक्लियस तो पाया जाता है लेकिन वो पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। उसमें जो सेल के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है, इस तरीके से स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसमें जो सेल वॉल होती है, उसमें जैसे सेल वॉल एक प्लांट सेल में पाई जाती है, उस तरीके से इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन उसमें केवल पाई जाती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। अब इसके हम कैरेक्टर्स जान लेंगे, जो मोनेरा जगत के या मोनेरा किंगडम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कैरेक्टर्स क्या क्या हैं इसके, या लक्षण जिसे बोलते हैं, है ना। लक्षण में इन्हें किसमें रखा गया है? प्रोकैरियोट्स। ये जितने भी होते हैं इसके, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोकैरियोट्स में आते हैं, प्रोकैरियोट, ठीक, या प्रोकैरियोट्स का कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है, इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो फ्री रहते हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है या अनुवांशिक जो पदार्थ होता है, लाइक डीएनए और आरएनए, है ना, यही होता है ना, ठीक है। डीएनए का अंश अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक। तो वो क्या होते हैं? फ्री होते हैं, ठीक। फ्री का मतलब क्या है? वो किसी झिल्ली के अंदर बंधे हुए नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मतलब इनका हैबिटेट क्या है, इसका वास स्थान क्या है? तो ये एक तरीके से कहें तो वो हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। वाटर में भी पाए जाते हैं, मीन्स जल में, मिट्टी में भी पाए जाते हैं, सॉयल में, ठीक है। और क्या है, ये वायु में भी होते हैं, एयर में, ठीक। और कभी कभी देखा गया है कि ये बहुत ही ठंडे जगहों पर, या कहें कि ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ग्लेशियर में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके वास स्थान है, मतलब एक तरीके से हम कहें तो ये सभी जगह व्याप्त होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं, दे आर फाउंड एवरीवेयर, ठीक है, लाइक वाटर, सॉयल, एयर, ग्लेशियर्स एटसेट्रा, ओके। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इसमें जो सेल वॉल होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल का काम हमने बताया है कि चारों ओर को उसको घेरे रखना, और अगर कोई भी बाहर से कोई भी चीज़ ऐसी आ रही है जो सेल को परेशानी में या प्रॉब्लम में डाले, तो उससे उसकी रक्षा करने का काम करती है, ठीक। तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है? बहुत अधिक अच्छी होती है या सुदृढ़ होती है, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, इसमें जितने भी कोशिकांग हैं मीन सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल कोशिकांग लाइक जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो है इसमें अधिकतर की जीव होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ये फोटोसिंथेसिस भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी है तो वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, ठीक है, और कुछ परपोषी भी होते हैं, कुछ परजीवी के रूप में होते हैं, कुछ रसायन संश्लेषि या केमोसिंथेसिस भी होते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं, फोटोसिंथेसिस करने वाले भी होते हैं, मीन्स प्रकाश संश्लेषी, ठीक है, केमोसिंथेसिस, केमोसिंथेसिस, ठीक, और कुछ क्या होते हैं परपोषी भी होते हैं, ठीक है, या सैप्रोफाइट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सैप्रोफाइट, ठीक है। तो मोनेरा जगत के ये विशेष लक्षण थे जिनके आधार पर हम इनको किस में रखे हैं, मोनेरा जगत में रखा गया है, ठीक है, ये इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एग्जांपल हमने आपको बता दिया जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं और माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, ये इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया। अब हम बताते हैं आपको कि जो मोनेरा जगत इसको दो भागों में और डिवाइड किया गया है, क्योंकि इसमें क्या है बैक्टीरिया अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है, तो इसके अंतर्गत इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, मोनेरा को मुख्य दो भागों में इसको बांटा गया है, एक होता है यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है आर्की बैक्टीरिया, क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। मोनेरा जगत को दो भागों में बांटा गया है, पहला हमारा क्या है यू बैक्टीरिया और दूसरा हमारा क्या है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, तो दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, इसके अंतर्गत जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं वो आते हैं, ठीक है, मीन्स वास्तविक जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, जो हमारा यू बैक्टीरिया है उसमें क्या होता है वास्तविक जीवाणु जो हैं वो आते हैं, ठीक है। इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत ही कठोर होती है और ये सीलिएटेड होते हैं, मीन्स इसमें सीलिया जो होता है या हिंदी में बोलते हैं पक्ष माप, ठीक है, सीलिया इसमें क्या है प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेल वॉल पाई जाती है इसमें, ठीक है, और जो सीलिया होता है सीलिया भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि एक तरीके से लोकोमोशन करने में सहायक होते हैं, सहायता देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आर्की बैक्टीरिया। हम आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, आर्की बैक्टीरिया ये ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ अन्य जाति नहीं रह सकते, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया में इस टाइप के जीवाणु आते हैं या बैक्टीरिया आते हैं जिसमें सामान्य जो जीव हैं वो नहीं रह सकते, ठीक है, जिसके जैसे बहुत ही गर्म जल में, ठीक है, जो गर्म जल के झरने होते हैं, ठीक है, उसमें पाए जाते हैं, ठीक है, गर्म जल के झरनों में, ठीक है, या बहुत अधिक ठंडी जगह हो, ठीक है, बहुत अधिक ठंडी जगह हो वहां पास, अधिक जिसका टेम्परेचर माइनस में जाता हो, ठीक है, अधिक ठंडी जगह पर, ठीक, अधिक ठंडी ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं, या जहां अत्यधिक सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है, अत्यधिक सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर मीन्स लवण, जिसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सॉल्टी वाटर कहलाता है ना, लाइक समुद्र सी होता है ना, ठीक है, तो ये आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। इस तरीके से ये जो मोनेरा जगत है, ठीक है, इनको दो भागों में बांटा गया है जिसके अकॉर्डिंग क्या है, एक यू बैक्टीरिया और दूसरा हमारा क्या है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। जो यू बैक्टीरिया होता है उसमें जो सेल वॉल होती है वो बहुत अधिक अच्छी पाई जाती है,
ठीक है। और जो हमारा सीलिया होते हैं, इस न्यू बैक्टीरिया में सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। जबकि जो आर्की बैक्टीरिया है वो जहाँ अन्य जीव नहीं पाए जा सकते वहाँ पाए जाते हैं, जैसे बहुत अधिक जल जो गर्म होता है या गर्म जल के झरनों में, ठीक है, या बहुत अधिक ठंडी जगहों पर माइनस में जिसका टेम्परेचर होता है वहाँ पास पाए जाते हैं, या अत्यधिक जो लवणी या साल्टी वाटर होता है, सॉल्टी वाटर जो होता है वहाँ पास ये जो आर्की बैक्टीरियाज हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको आज बताया कि मोनरा जगत क्या होता है, उसके कैरेक्टर्स बताए, इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइक्रोप्लाज्मा आते हैं, ठीक है। और इस मोनरा किंगडम के टू पार्ट्स बताए, जिसे क्या कहा जाता है, एक ब्लू बैक्टीरिया है और दूसरा हमारा क्या है, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो आज बस इतना ही, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट बताएंगे प्रोटिस्टा जगत क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। अगर जो चैप्टर हम इस समय करा रहे हैं चैप्टर 4, उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए, और अगर जो रिविजन चल रहा है उसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये हम दोबारा रिवाइज करा रहे हैं आपको, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमको बताइए, तो हम उसको फिर से आपको बता देंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी, बस आप लोग अच्छे से उसको रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे।